देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मुलाकात रहेगी मूवी प्रोड्यूसर एंड एक्टर राहुल सूद जी से। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। और अभिषेक दुबे जी से। नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, पहला प्रश्न आपसे। थोर में अगर मैं पूछूं कि भी थोर में आपका क्या किरदार रहा, तो आप प्रोड्यूसर कहेंगे या कहेंगे कि भी मैं एक एक्टर हूँ? एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहता हूँ, मैंने स्टोरी भी मैंने ही लिखी है। ओह अच्छा, ये तो एक तीसरा पहलू और आ गया। तो बेसिकली आई एम अ राइटर प्रोड्यूसर एंड एक्टर। तो पहले जब हमने एक कहानी के बारे में सोचा था, तो आई वाज बेसिकली, जो हम चाह रहे थे कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था विच इज अ वेरी हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट, जो यूथ के लिए है और इसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भी हम देना चाह रहे हैं इस फिल्म के थ्रू, विच इज टू रिस्पेक्ट वुमेन। अच्छा, तो ये स्टोरी थी। तो हमको स्टोरी अच्छी थी, मुझे क्योंकि मेरे को आइडिया आया था, तो मैंने इस पे स्टोरी पे वर्क किया, स्क्रीन प्ले हमने लिखा, फिर इसके डायलॉग्स लिखे, तो वो स्टोरी काफ़ी अच्छी बन करके निकली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको खुद ही प्रोड्यूस कर लूँ, तो इसीलिए हमने ये फिल्म प्रोड्यूस करी। और इसके राइटिंग में ऑलमोस्ट हमको 6 महीने लगे पूरा कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। इट केम आउट रियली वेल। तो बाकी अब पब्लिक विल डिसाइड कि कैसी जाती है फिल्म हमारी। अभिषेक जी, आपका थोर पिक्चर में लीड रोल है, थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए हमें। मेरा इसमें जो किरदार है वो इज वेरी नेक्स्ट बॉय नेक्स्ट डोर किरदार। हाँ जी। तो उसके अंदर ही इज वेरी एम्बिशियस आल्सो, एंड आई एम प्लेइंग द फियांसी ऑफ द मेन लीड इन हीरोइन। अच्छा, ओके। एंड बहुत ही एम्बिशियस है और फन लविंग है, आप देखेंगे तो आपको बहुत प्यार होएगा उससे। और वो आपके असली स्वभाव से कितना नजदीक है? वो मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो नेचर है, उससे मैं कहूँगा 60% ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। और इसमें भी जो मेरा कैरेक्टर है वो MBA करना चाहता है, MBA करने जाता है बाहर। तो ये इंजीनियरिंग से आप यहाँ कहाँ गए? वो कहते हैं ना कि कीड़ा है ये, तो एक कीड़ा होता है। अब इंजीनियरिंग हमारे फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं, तो माय फैमिली ऑलवेज वांटेड कि बाबा तुम तो इंजीनियरिंग तो करो, उसके बाद ही जो करना है वो करो। सो अभी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? या दे फुली सपोर्टेड मी आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग एंड डूइंग माय ओन बिजनेस, आफ्टर दैट दे फुली सपोर्टेड मी। राहुल जी, आपने इंजीनियर एक्टर को क्यों चुना? एक्चुअली मैंने जैसा आपको एक बताना चाहता हूँ कि जैसे एक्टिंग स्कूल मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे पिछले 3 साल से। अच्छा, जयपुर में? जी 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 जी। तो अभिषेक वॉज माई स्टूडेंट, तो हमने ऑडिशंस लिए थे इस फिल्म में भी, मैंने अपने करीब 20 स्टूडेंट्स को चांस दिया है। तो क्या नाम है आपके एक्टिंग स्कूल? स्टार स्ट्रक एक्टिंग स्कूल। स्टार स्ट्रक। When I started 3 years back, तो उस समय लोगों को थोड़ा सा apprehension था कि पता नहीं क्या होता है, acting school वाकई होते हैं, exist करते हैं, क्योंकि जो लोग करना चाहते हैं, जो afford कर सकते हैं, वो सीधा बॉम्बे जाते हैं। जरूर, सही कह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जब यहाँ पे एक्टिंग स्कूल प्लान किया, क्योंकि आज से 15 साल पहले जब मैं एक्टर बनना चाहता था या एक ब्रेक चाहता था, तो मेरे पास कोई और जगह नहीं थी, मेरे को बॉम्बे जाना पड़ा। कोई चारा ही नहीं चारा था, नहीं था। बिल्कुल, हाँ, सही बिल्कुल, कह रहे हैं। तो देयर वाज नोबडी टू गाइड मी, तो मैं बॉम्बे गया, वहां पे एक्टिंग सीखी, वहां से सीखने के बाद काम भी किया, काफी एक्सपीरियंस गेन किया। बट मेरे थ्रू आउट ऐसा मेरे जहन में था कि जो एस्पिरेंट एक्टर्स हैं, जो मेरी तरह हैं, जो लोग शायद बॉम्बे नहीं जा पाते क्योंकि वहां हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स की। जैसे मैं बॉम्बे में बताऊं, एक एक्टिंग स्कूल में मैं थोड़े टाइम पढ़ा भी रहा था पार्ट टाइम, तो वहाँ पे एक लड़का था, वो जयपुर से आया था, तो उसने बोला कि मेरे फादर ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया है कि तू जा और बॉम्बे में ट्राई कर।
कुछ भी मतलब 3 महीने में या तो हीरो बन जाए या वापस आ जाए सही है जी। तो इसीलिए फिर मेरे को उस समय वहां पे ये आइडिया या मेरे को लगा कि नहीं, जो लोग पेरेंट्स क्योंकि अल्टीमेटली जयपुर में अगर वो करना चाहे तो फिर भी अलाउ कर देंगे, तो जब वो बॉम्बे जाएगा तो अगर पेरेंट्स टाइम देंगे तो ही कैन यहाँ से सीख के जाएगा, सब कुछ वेल इक्विप्ड होके जाएगा, तो वो वहां जाकर के अपने पैशन के लिए ट्राई कर सकता है वो 3 महीने या 6 महीने व्हाटएवर जो। बिल्कुल बिल्कुल। थोर पिक्चर के म्यूजिक के बारे में हमने कुछ सुना है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात।